बोल रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। रिजवी जी के हिसाब से आचार्य जी, हिजबुल्ला और हमास ये एनजीओज हैं, ये सोशल, अभी भी बीच में नहीं, ये एनजीओज हैं, सोशल वर्क करते हैं। और लाइटर नोट आचार्य जी, आपको भी आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है भाई, मैं किन से बात कर रहा हूँ, आचार्य जी से बात कर रहा हूँ, आचार्य जी को लाइए, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब। आचार्य जी आपको भी आजकल इतना गुस्सा आ रहा है दादा, क्यों? अच्छा किया, शांत आप, अरे आप मत गुस्सा कीजिए इतना, आप शांत, गाली देगा तो क्या करेंगे, आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप शांत रहिए। एक पुरानी कहावत है, कोई बोलता रहता हाथी चलता रहता, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए, आप शांति से प्रेम से। रशीदी जी, नहीं नहीं किसी के लिए नहीं कहा, डोंट गेट पर्सनल। रशीदी जी, जो सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आपने कहा, ओनली मी एंड रशीदी जी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश बेटर देन मी अकॉर्डिंग टू हिम, सो लेट इट बी वेरी क्लियर। रशीदी जी, प्रधानमंत्री ने कहा, आप समझिए मेरी बात, आप समझिए कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, 7 अक्टूबर 2023, टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। अब आप बताइए, आप कौन से देश की प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे? प्लीज समझाइए रशीदी जी। शिवम जी को दूसरी तरफ लाइए जी, मैं जवाब दे दूं, प्लीज दादा दीजिए, थैंक यू, जवाब दे दूं जी दादा। आप मुझे हमारी सरकार का कोई ऐसा फरमान बता दीजिए जो जिसमें वो ये कहते हो कि हम हिजबुल्ला और हमास को दहशतगर्द मानते हैं। अब मैं बता रहा हूं व्यक्तिगत बयान, 10 अक्टूबर, अब मैं आपको आज काउंटर करने वाला हूं, लाइक हाउ, और ये दोबारा अंग्रेजी में है लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और सुनिए आप, 10 अक्टूबर 2023, सुन तो लीजिए, October 10, 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुश्मनी है आपको, अरे मैं क्या कह रहा हूं सुनिए आपको, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन द ऑनगोइंग सिचुएशन, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल। टाइम दूंगा आपको और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे आपने जो कहा, काउंटर दे रहा हूं, आपने कहा कोई ऐसा वक्तव्य दिखाओ, दर्शकों समझिए, अरे काउंटर, रशीदी जी ने बोला कोई ऐसा काउंटर दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं 10 अक्टूबर 2023 का प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट जिसमें वो कहते हैं, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रॉन्गली एंड अनइक्विवोकली। और मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी समझते हैं, कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और अब मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या कंडेम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री? अगर जवाब नहीं सुनना तो मत, बोलिए मैं चुप हूं, बोलिए मैं 1.5 मिनट चुप, जवाब नहीं सुनना तो मत बोलिए, 90 सेकंड दादा बोलिए, नहीं मत बुलाया करो दादा, बोलिए आप, मेरे से मत बहस कीजिए, काउंटर कीजिए, ये क्या तरीका बोलने का, काउंटर दादा, दादा काउंटर नहीं, काउंटर क्या, काउंटर बोलते हैं जो आपका मन है बोलिए, तकरीर शुरू कर देते हो, हमसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, मोदी मोदी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, सवाल करो भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, तो तकरीर शुरू कर देते हो, नहीं नहीं आपको तकरीर लगती होगी, मेरी नहीं है दादा, मैं तो आपको काउंटर कर रहा था, ये कोई बात हुई, मैं तो आपको काउंटर कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जवाब नहीं है, समझिए, काउंटर बाद में कीजिए, पहले जवाब, स्मार्ट आदमी और सुनने का साहस भी रखिए, बिल्कुल दादा बोलिए। मैं, मेरा सवाल अब फिर वही है, मेरा सवाल ये है, हमारी सरकार जितनी तंजीमों को, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन मानती है, क्या हिजबुल्ला और हमास का उसमें नाम है? वो दिखा दीजिए मुझे, और इस ट्वीट में वो दिखा दीजिए मुझे, है? ये तो व्यक्तिगत बयान है प्राइम मिनिस्टर, कज़ब आदमी है आप लोग, नहीं नाम कज़ब आदमी, ये सरकार का बयान है क्या? आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर सरकार का बयान है क्या? इसमें प्रोवाइडिंग एन अपडेट, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रॉन्गली एंड अनइक्विवोकली कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो इजराइल पे किसने किया था, आपने या मैंने किया था? फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, नाम इसमें दिखाइए, इसमें नाम दिखाइए, व्हाट इज हैपनिंग ऑन एयर टुडे। आचार्य जी मेरे को लगा था आज का कमाल आप कर चुके और हमास का नाम, लेकिन यहाँ तो और भी कमाल हो रहे हैं। हाँ हेलो किया शिवम जी, इसमें नाम दिखाइए ना, शिवम जी, शिवम जी, शिवम जी, शिवम जी, शिवम जी, हाँ शिवम जी, एंडिंग, अरे शिवम जी, अरे आज समय कम है, अरे आप ही का जवाब, इसमें नाम दिखाइए ना, अरे भैया, अरे आप अभी मोबाइल ऐसे गए थे क्या, अरे इजराइल में, अरे भाई इसमें नाम दिखा दो हमास का, ऊपर पे जो आतंकवादी घटना, अरे भाई हम कह रहे इसमें हमास ने खुद, हो सकता है किसी ने हमास का ट्वीट पढ़ दूं,
हमास ने कहा हमने किया, हमास ने कहा हमने किया, पीएम ने क्या कहा टेररिस्ट एक्टिविटी। हाँ मैं कह रहा हूँ दहशतगर्द। अच्छा आपका ये ओके, तो ये कह रहे हैं जो ये बात सही है शिवम, इसमें नाम दिखाई भाई, इसमें हमास और हिजबुल्ला का नाम नहीं और भारत की। ये रशीदी जी देखिए, रशीदी जी आपको शिवम त्यागी हल्के में ले रहे थे आप, मैं जानता हूँ कि आप सहारनपुर के, आप बहुत तेज आदमी, मैं जानता हूँ, पढ़ रखा है, मेरे को पता है कि आप बहुत तेज आदमी है, लेकिन शिवम उन्होंने ये पकड़ लिया कि भारत सरकार ने इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया। एंडिंग कमेंट शिवम त्यागी। भारत बहुत सारे लोगों को आतंकवादी मानता है तो ये मानते हैं क्या? मैं तो इनसे मानता हूं कि बहुत सारे लोग किसको नहीं मानता बताओ? मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो आतंकवाद होता है उसका भी समर्थन करते हैं। जवाब है अभी भी कोई जवाब हुआ? अरे ये कोई जवाब हुआ? मैं पूछता हूं हर किसी को, हर किसी से क्या बात कर रहे हो? भारत सरकार से सवाल से शुरू करके एक एक करके नसरुल्लाह को आतंकवादी मान रहे हैं। जैसे भाई को लाभ है क्या? सुनिए बहुत सीधी बात है, आईएसआई हो, इसके अलावा अलकायदा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, इसके अलावा हुती हो, इसके अलावा हिजबुल्ला हो, ये सारे लोग जो है ये आतंकवादी है नहीं, इनको नोबेल पीस। ओके देखिए देखिए देखिए, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। एक जवाब है, एक जवाब आप सबका, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। हाँ अटल जी ने कहा था सवाल का, हाँ अटल आप ही का जवाब दे रहा हूँ और अंत कर रहा हूँ, प्लीज सुनिए आचार्य जी, सुनिएगा आपका भी सवाल जवाब नहीं दे। फैज साहब आज के लिए माफी चाहता हूँ, लिटरली रशीदी जी ने आपका समय ले लिया, माफी चाहता हूँ फैज साहब। रशीदी जी आप बहुत तेज आदमी, सुन लीजिए। Yes, Atal ji has said that we support the Palestinian cause. We continue to vote for the two-state solution in United Nations, yani Sanyukt Rashtra. Aapke liye, Rashidi ji, main translate kar raha hu. On the question of Palestine, but we also condemn terrorism in all its forms and manifestations. Two-state theory. India stands for two-state theory. आप कहते हैं वो देश ही नहीं है? नहीं, आप कहते हैं इज़राइल देश नहीं है? तब कहा? देखिए दर्शकों, जब वो पूरा कब्जा कर ग्रेटर इज़राइल, आतंकवाद गलत था, है और रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, गाजा हो या फिर हिजबुल्ला। आप समझिए मेरी बात, 7 अक्टूबर 2023 नहीं होता तो आज ना ये हिजबुल्ला की हालत होती और ना ये गाजा में इस तरह का डेवेस्टेशन हुआ होता, ये रियलिटी है। आप उससे पहले की बात करना चाहते हैं तो इसराइल भी बोलता है 1.5 साल का हमारा देख लो। मैं कह रहा हूं अगर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की सरजमी पर जाके बच्चों को, बच्चियों को नंगा करके ले गए वापस गाजा पट्टी में, 100 आदमी अभी मरे, तब कोई नहीं आया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है? है, क्योंकि कोई धर्म, कोई मजहब आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, न कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं उसके इंटरप्रेटर्स, उसके अनुवाद करने वाले जानते हैं कंधे पे रख के बंदूक चलाना और वो करते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इसलिए सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।